इस इंडिया और मेरे साथ है आनंदिता। हेलो आनंदिता, के साथ आपने दो एपिसोड देख चुके हैं और आपने बहुत लव दिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत बहुत मतलब आप लोगों का मुंह में घी शक्कर बिल्कुल। सो आनंदिता के साथ हम लोग फिर एक वीडियो शूट कर रहे हैं। आनंदिता, सो तुम तो शादीशुदा हो और मतलब शादीशुदा और मतलब जो गर्ल्स होते हैं ना उसके मतलब एक प्रॉब्लम होते हैं। मतलब मैंने देखा मैंने कि मैं जब पीकर घर में आता हूँ तो मेरा बीबी इतनी हल्ला करती है, मतलब क्या बताऊँ। तो तुम भी क्या वैसे ही करते हो, मतलब तुम भी मतलब के साथ वैसे करते हो या मतलब मेरा साथ डिफरेंट है इफ यू वांट टू आस्क, बिकॉज मेरे हस्बैंड नॉन ड्रिंकर है। एज आई सेड, मैं पीकर नहीं आती हूँ, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन वैलिड है। मैं अपने दोस्तों से सुनती हूँ, सबसे अच्छा जवाब मुझे अब तक जो फिल्टर करके मिला वो है वो और भी ज्यादा भुलक्कड़ हो जाते हैं। कुछ याद नहीं रहता है, शायद उस फेज के लिए एंग्री भी होती है और ऊपर से कुछ बेनिफिट रहता है। सही है, मतलब तुम सपोर्ट कर रही हो कि चलो भाई हल्का फुल्का पिकर आएगी, मतलब पिकर आएगा, देखो आएगी आएगा, मतलब क्या करोगे। मंगलियन वी आर बॉम्स यू नो, एब्सोल्युटली, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, डोंट वरी। अच्छा भाई, तो आज क्या करने आए लोग, ऑफकोर्स कॉकटेल बनाने के लिए आए ना। तो मेरा कॉकटेल का नाम काफी इंटरेस्टिंग है, मालूम। अच्छा मेरा कॉकटेल का नाम है नीलांजना। नीलांजना ही क्यों? नीलांजना, ये तो नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। अच्छा मैं तुमको बताना चाहूंगा कि नीलांजना जो एक बहुत फेमस गाना है नचिकेता का, बंगला गाना सुनते हो तो आप लोगों को मालूम है, बंगाली गाना सुनते हो तो आई गेस ऑल ऑफ यू नो इट एज वेल, ऑफ कोर्स। सो वो बहुत बेहतरीन गाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहां से उस गाने से इंस्पायर होकर मैंने ये बनाया। दैट शुड बी इंटरेस्टिंग, एग्जैक्टली, अभी बहुत ईगर हूं देखने के लिए। वो कलर जो है वो ब्लू कलर का है, नीलांजना, तो कलर जो है वो ब्लू कलर का, इसलिए मैंने रखा है नीलांजना। अच्छा, तो वी आर डिराइविंग द नेम फ्रॉम द कलर, एग्जैक्टली बिकॉज़ ऑफ कलर। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट कि मेरा जो क्रश थी उसका उसकी नाम जो थी ना वो थी पिंकी, बट मैं उसको इतना नफरत करता हूँ, इतना नफरत करता हूँ कि उसके नाम पे मैं कॉकटेल नहीं बनाना चाहूंगा। माय गॉड, मैंने इसके लिए ब्लू कलर को चुन लिया। अभी व्यूअर्स को बहुत सारा सीक्रेट भी पता चल रहा है। हाँ नहीं, वो ज्यादा नहीं बताएंगे ना तो फिर पीछे पड़ जाएंगे ना व्यूअर्स, छोटा मोटा बताने करो। अच्छा तो फिर ये जो कॉकटेल मैं बनाऊंगा ये दो हिस्सों में मैं बांटूंगा, एक तुम्हारे लिए और मेरे लिए, ठीक है। तो देखो ये दो छोटे छोटे ग्लास मैं रखा हूँ। तो इस कॉकटेल को बनाने के लिए आपको भी बहुत आसान सा इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये आप आराम से घर में बना पाएंगे, और मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोगों को आसान आसान कॉकटेल सिखाऊं। बिल्कुल, हमेशा हम लोग हमेशा देखते हैं कि कॉकटेल्स इंडिया में ऐसे ऐसे कॉकटेल्स आते हैं जिनके रेसिपीज बहुत इजी होते हैं, एंड आई एम श्योर सारे व्यूअर्स भी इसके साथ अग्री करेंगे। थैंक यू, एकदम एकदम, एक्चुअली वही मकसद है कि आप लोग आराम से घर में बना पाओ। तो आज इस कॉकटेल को फैंटास्टिक बनाने के लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग डालने वाला हूँ। देखो मेरे पास कुछ आइस है, मैं तुमको दिखाना चाहूंगा, ये देखो कुछ इंटरेस्टिंग आइस है। ओह माय गुडनेस, लुक एट द आइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। देखो तो यू नो नीलांजना कॉकटेल को बनाने के लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग आइस को मैं I loved it. पिछले वाले दो में हम देखे थे कि वो राउंड था, पर ये वाला बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, I'm sure the mold is so different. It looks so nice. कुछ बनाने से पहले ही इतना खूबसूरत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अभी इसमें हम लोग क्या डालेंगे? या इसमें हम लोग डालेंगे पुचकू सा, मेरे पास ड्रिंक है मैजिक मोमेंट। अच्छा। मैजिक मोमेंट का एप्पल फ्लेवर वोडका। वाओ, तो ग्रीन एप्पल फ्लेवर। जी हाँ, जी। लवली, तो बहुत मस्त लगता है, थोड़ा मतलब टैंगी होगा। हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इसमें ना डालेंगे। बाय द वे, यू लाइक टू मेक इट? या आई कैन। तो आप आ जाओ, इधर आ जाओ, आप बनाओ तो मजा आ जाएगा। आप इधर आ जाओ, मैं आपको रेसिपी बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं रेसिपी बोलता हूँ, तुम एक के बाद एक डाल दीजिए। कितना डालना है? 60 का डाल दो बस। हम लोग सख्त लौंडे हैं तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग ड्रिंक चाहिए, है ना? तो फिर 60। हाँ गुड, वेरी गुड, गया 60 एंड इसमें भी 60, तो दोनों का ड्रिंक बन रहा है ना। अब इसमें लाइम जूस हम लोग डालेंगे थोड़ा सा, 10 ml करके। तो आप डायरेक्ट पोर कर सकते हो, देखो वहाँ पर लाइम रखा हुआ है। हाँ इसका डायरेक्ट पोर 10 ml है, तो हम डायरेक्ट अपने हिसाब से डालेंगे। एकदम एकदम, गुड 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 गुड, वेरी गुड। एंड नाउ ट्विस्टिंग पार्ट कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या डालने वाले हैं। तो यहाँ पर है एप्पल जूस और वहाँ पर है लीची जूस। वाओ,
एप्पल हम लोग डालेंगे 30 ml, लीची डालेंगे 60 ml. स्ट्रॉन्ग है? नहीं, ठीक है, वेरी गुड. एप्पल कितना डालेंगे? 30. 30 ml. एप्पल डाल दो 30 दोनों में. ये गया, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए. ठीक है, दोनों एंजॉय करेंगे आज. बिल्कुल. चलो ओके, अब इसमें हम लोग डालेंगे लीची जूस को. तो इसका एप्पल एंड लीची का कॉम्बिनेशन क्वाइट इंटरेस्टिंग है. मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स अभी के बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो इसमें 60 का डालना है, तो डालो आराम से. 30 और एक 30 इसमें डालो. ना और एग्जैक्टली. हाँ, दोनों में फिर से जाएगा. एग्जाम एकदम वेरी गुड, वेरी गुड. अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सोडा टॉप अप कर सकते हैं. हालांकि सोडा हम लोग देंगे, बट उससे पहले हम इसमें और एक चीज देंगे, और जिसके कारण इसका नाम है नीलांजना. बट नीलांजना को बनाने के लिए एग्जैक्टली, तो आप क्या करना होगा, वो देखो लंबा सा त्रिशूल जैसा स्पून है, उस स्पून को ले लो. देखो नीचे रखा है यहाँ पर, हाँ, त्रिशूल स्पून. सो इसको यू नो हस्बैंड को पोतने के लिए ये त्रिशूल को रखा गया है. आई फील लाइक मां दुर्गा. एकदम एकदम. तो चलो इसको स्टर कर लो अच्छा करके. हाँ एग्जैक्टली. नहीं, तुम अगर पास में पकड़ोगे यहाँ पर तो और भी आसान होगा. हाँ एग्जैक्टली. तो यहाँ पर भी हम लोग इसको स्टर कर लेंगे. तो इसमें क्या हुआ, लाइम जूस, एप्पल एंड लीची का कॉम्बिनेशन, साथ खुशबू ही बहुत अच्छा आ रहा है, साथ में एप्पल का वोडका. हाँ एप्पल वोडका. तो इसीलिए हम लोग एप्पल जूस को कम डाले हैं और ज्यादा लेमन, सॉरी ज्यादा हम लोग लीची को डाले हैं. सोडा नहीं, बैलेंस हो जाए प्रॉपरली. डन. अभी इसमें हम लोग डालेंगे क्योंकि इसमें टैंगी दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि एप्पल जूस भी है, उसके बाद लेमन भी थोड़े डाले हैं, इसलिए लीची थोड़ा ज्यादा जा रहा है. एकदम अच्छा, मतलब आइडिया बहुत है. अच्छा, ये चलो, तो आपके साथ बना बना के आइडिया ज्यादा बड़ा है. अच्छा, तो मैक्टू टेसर का हम लोग ब्लू क्रसअप सिरप यूज करेंगे. ये एक फाइल ले लीजिए, बहुत काम का चीज है. मतलब जब भी घर में कोई मेहमान आता है, कोई सिंपल सा ड्रिंक को भी आप इंटरेस्टिंग बना देते हैं. ब्लू क्रसअप, बहुत सारे लोग एक्चुअली मॉकटेल हो या कॉकटेल हो, कलर डिफरेंट चाहिए होता है उनको. उसके बाद ऊपर से कुछ ब्लू ऑर्किड वगैरह हम देखे हैं डाल के, और मस्त हो जाता है. बिल्कुल. तो ये कितना करके हम डालेंगे, तो इसको हम लोग डालेंगे अराउंड 10 ml करके दोनों जगह में. थोड़ा मतलब नीचे एक ब्लू सा इफेक्ट आ जाए, तो ऊपर से आराम से डाल दो. ये डालने से ही बहुत अच्छा दिखेगा. आराम से डालो, आइस का साइड में डालो, सो दैट नीचे डायरेक्ट चला जाए. आइस में अगर डालोगे तो आइस में रह जाएगा. हाँ डन हो गया. छोटा सा कलर है ना, इसलिए नाम रखा है नीलांजना. बाय द वे, नाम याद है ना आप लोगों का, बंगाली नेम है, बहुत फेमस नीलांजना. बहुत सारे फैंटास्टिक और गॉर्जियस गर्ल्स का नाम होता है नीलांजना. आई गेस वो गाने के बाद से ना और भी ज्यादा लोग फेमस हो गया. स्टार्टेड टू कीप दैट नेम. हैट्स ऑफ टू नुचिकेता. इसको भी थोड़ा, हां बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू नुचिकेता. सो इसको भी थोड़ा स्टर कर लेंगे. नहीं नहीं नहीं, फिर क्या होगा ना, इसका जो इफेक्ट होता है, ये तो ऐसे रहने से ज्यादा अच्छा लगेगा. अभी तुम सोडा दे दो, वहां पर देखो सोडा रखा है, बिस्लरी सोडा. हाँ, अब इसको खोल के ऊपर से थोड़ा टॉप अप कर दो बस. इसका कोई मेजरमेंट नहीं, नहीं मतलब टॉप अप कर देना. ठीक है, तो थोड़ा टॉप अप कर दो, तो ग्लास ऑफ फिल मतलब अच्छा फीलिंग हो जाए. हाँ आहिस्ता, हाँ आहिस्ता ऐसा डालो. हाँ एग्जैक्टली. हाँ चलो घुल मिल गया, अच्छा लग रहा है. हाँ. तुम हाँ सही लग रहा है, ब्लू हो गया. बहुत है ना? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, ये कॉकटेल को आप काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं गार्निश के जरिए. और गार्निश भी एक आर्ट है, आप सिंपल सिंपल ट्विस्ट करके बहुत बेहतरीन गार्निश बना सकते हो. तो मैं ना इस बार यूज करूंगा ग्रीन एप्पल. एक ग्रीन एप्पल का कीमत कितना है आप लोगों को मालूम है? 60 rupees, 60 rupees. तो चलो मैं तुमको गार्निश सिखाता हूँ. देखो कैसे करना है. आप भी तुम ऐसे करके काट लेना, बहुत मतलब पतला स्लाइसेस. हाँ, काटना है. हाँ ऐसे करके काट लेना, ठीक है ना. ये हो गया दो, ठीक है. अब इसको तुम पास में रख सकते हो उधर. अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग इधर से पतला पतला करके स्लाइस करके काटेंगे. इससे पहले मैंने इस गार्निश को बहुत बार दिखाया, तुम सीख लो. मतलब जब तुम घर में कोई मेहमान आएगा, बनाओगी तो मस्त लगता है. मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ. थैंक यू सो मच. तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब तुम खुद घर में बनाओगी और मतलब तुम धोगी तो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है ना. बाय द वे, देखो पिन रखा हुआ है. ये है पिन, कोई भी एक चूज करके दे दो. हाँ जैसे कि ये एरो पिन है, और भी बहुत सारा पिन है. देखो बहुत है, ये पाइन एप्पल पिन है. हाँ पाइन एप्पल दे दो, पाइन एप्पल लगाते हैं, ठीक है ना. अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके पुश करेंगे. वाओ, हाँ
फिर मतलब जितने भी स्लाइसेस किए हैं सबको एक साथ पिन में डाल रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा ब्यूटीफुल इसको हम लोग थोड़ा स्पीड कर देंगे इसे। इतने दिनों से सिर्फ रेस्टोरेंट्स बार्स में देखते थे, अभी आप लोगों को देखिए सीक्रेट पता चल गया कि कैसे दादा बना रहे हैं। ये देखो अमेजिंग, सी हाउ इट लुक्स, इट्स ब्यूटीफुल। एंड यू कैन डू द सेम थिंग्स लाइक जैसे कि मैंने किया, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकती हो जैसे कि मैंने ये काटा, इसको आप ऐसे करके काट के सेम गार्निश कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज अदर ऑप्शन टू, आई मीन टू से सिंपली इसको स्लाइस में काटो। चलो वो भी सीख लेते हैं। ये सिंपल है, मतलब ये गोल है, इसको आधा करो और इसको यहाँ से काट के आप तुम यहाँ से भी लगा सकती हो। ये भी एक सिंपल सा गार्निश है जैसे हम लोग करते हैं, देखते हैं। आपके पास अगर घर में पिन नहीं है, मान लो ऐसा पिन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो ना, टूथपिक भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये बन गया, ऐसे छोटे साइज का स्क्यूअर्स भी आते हैं, एग्जैक्टली मीडियम साइज के स्क्यूअर्स, वो भी यू कैन यूज जब लोग बारबेक्यू घर में बनाते हैं या सौते कुछ बनाते हैं। सबका जुगाड़ एक्चुअली घर से हम लोग निकाल ही सकते हैं, अगर ये नहीं हो तो वो जरूर मिलेगा। अच्छा, तो बन गया ये कॉकटेल। नाम क्या रखा है याद है ना आपको, इसका नाम है नीलांजना। तो चलो तुम एक ले लो, तुम कौन सी लोगी, ये कौन सी ज्यादा, आई लाइक दिस वन मोर, ओके गो अहेड गो अहेड। तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। आप स्ट्रॉ चाहिए तो स्ट्रॉ ले सकती हो, मैं तो ऐसे पी जाऊंगा। तो चलो चीयर्स चीयर्स चीयर्स। एक स्ट्रॉ ले लो नहीं तो वहां से बिल्कुल और भी मस्त होगा। मैं ना ये पूरे डेकोरेशन को एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो इसीलिए आई विल टेक अ स्ट्रॉ एंड Amazing. लीची थोड़ी सी डोमिनेटिंग है ना, क्या लगा? हाँ. लीची थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, बट इट इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत आसान, टेस्ट बहुत अच्छा लगा। हाँ. लीची थोड़ा ज्यादा है, डोमिनेटिंग। I mean it depends on people's taste. हाँ. मतलब कोई भी चाहे तो उसको ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको तेल ज्यादा चाहिए तो आप उसको इंक्रीज कर दीजिए, 60 कर दीजिए और लीची को 30 कर दीजिए, है ना, तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा। मैं तो रुक ही नहीं पा रही हूँ, बोलूं क्या इसके बाद। सो वीडियो कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि वो कमेंट्स हम पढ़ते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो भी हार्ड वर्क इसके पीछे जा रहा है, कैमरे के सामने कैमरे के पीछे, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर लिखिएगा आप लोगों को कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हाँ, अनिंदिता को इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। और हाँ, मुझे भी फॉलो कीजिएगा, नहीं तो डंडा सबको मारेंगे। ऐसा मत भूल जाना, मतलब दोनों का कर देना यार, कर देना। अच्छा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। लास्ट में लोग क्या बोलते हैं, जय हो।